बाबा के पास 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1,00,000 सैनिक थे। तो लेकिन होता क्या है कि भले सैनिक ज्यादा हो, बाबर ने इसमें तुलगामा नींद का प्रयोग किया, इसके पास गोला बारूद था, इसीलिए जो है बाबर युद्ध जीत गया। लेकिन बाबर को जो है तीनों लोगों ने कहा था कि मैं मदद करूंगा, उसमें से राणा सांगा मदद करने नहीं आता है। जब बाबर पानीपत का युद्ध जीत जाता है तो उसने बाबर जो है हिमाल को भेजता है और कहता है जाओ और दिल्ली के किले में जितना भी आगरा में, चूंकि राजधानी उस समय आगरा थी, तो आगरा भेजता है और कहता है जाओ वहां की जो औरतें हैं उनको बंदी बना लो और जो धन होना है उसको सबको लूट लो। तो इसी के बाद जो है होता क्या है कि कैपिटल आगरा थी ही, 1526 ईस्वी में ही पानीपत की जीत की खुशी में ही पानीपत में ही इसने काबुली बाग लगा दिया। ठीक, पानीपत में ही इसने काबुली बाग लगवाया और वहीं पर इसने काबुली मस्जिद का निर्माण किया। काबुली मस्जिद दोनों कहां पे करवाता है? पानीपत में। ठीक, पानीपत के विजय के ही उपलक्ष्य में जो है ये काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण करवाता है। कब करवाता है? 1526 ईस्वी में। और इसी जीत के उपलक्ष्य में इसने काबुल और कंधार में जो है सारूख सिक्के चलवाए थे। ठीक, इसी की जीत की खुशी में इसने काबुल और कंधार में इसने सिक्के चलवाए थे। इसने काबुल में सारूख कॉइन और कंधार में बाबरी, शाहरुख सिक्के और कंधार में बाबरी, कंधार में बाबरी सिक्के चलवाए। ठीक, बाबरी सिक्के चलवाए। और होता क्या है कि शाहरुख सिक्के, अगर शाहरुख सिक्के की बात की जाए तो हमने बताया था कि जब खित्र खां के समय में सैयद वंश की जब स्थापना होती है तो उसी के समय जो है तैमूर जब आता है तो तैमूर का बेटा जो था उसका नाम शाहरुख था। ठीक, तो शाहरुख था, उसको शासन दे करके चला जाता है, लेकिन शाहरुख भी नहीं रुकता है, वो अपना शासन जो है खित्र खां को देकर चला जाता है। तो शाहरुख वही है, कौन? तैमूर का बेटा है शाहरुख। तो ये दोनों सिक्के चलवाता है और जो दिल्ली की जनता रहती है प्रत्येक नागरिक को एक एक सिक्के बाबर देता है। जो यहाँ की जनता रहती है जनता को एक एक सिक्के बाबर देता है और इसी से खुश होकर के जनता ने इसको उपाधि दी थी कलंदर की। जनता ने इसको उपाधि दी कौन सी? कलंदर। तो कलंदर किसको कहते हैं? तो कलंदर जो है बाबर का ही नाम, कलंदर की उपाधि बाबर को दी जाती है। इसके बाद होता क्या है कि हुमायूं जो था जब ग्वालियर के राणा विक्रम सिंह से के पास पहुंचता है, ग्वालियर में राणा विक्रम सिंह के पास पहुंचता है, कौन? हुमायूं पहुंचता है। हुमायूं जाता है ग्वालियर के राजा विक्रम सिंह के पास और उसी से जो है कोहिनूर हीरा छीन करके लाता है और उसको किसे दे देता है? बाबर को दे देता है। तो कोहिनूर हीरा फिर अब किसके पास पहुंच गया? अब बाबर के पास पहुंच गया। हमने दिल्ली सल्तनत में चर्चा की थी कि वो जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास जो कोहिनूर हीरा था वो पहुंचा रहता है और उसके बाद इसमें मुगल काल में इस कोहिनूर हीरा किसके पास पहुंचता है? बाबर के पास पहुंचता है। इसी से इसने कोहिनूर हीरा छीना था, कोहिनूर हीरा छीन करके ये बाबर को दे देता है। और जब बाबर को दे देता है तो बाबर जो है इसे बाबरी हीरा नाम देता है। क्या नाम देता है? बाबरी हीरा। जो कोहिनूर हीरा था उसका नाम बदल करके अब क्या हो जाता है? बाबरी हीरा नाम हो जाता है। आगे देखिए, इसके बाद 1526 ईस्वी में तो ये युद्ध हुआ पानीपत का। फिर बाबर को जब याद आई कि राणा सांगा ने हमको मतलब इस साथ में देने का वादा किया था और साथ नहीं दिया, तो इसीलिए 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध होता है और खानवा का जो युद्ध होता है वो बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है।
और बाबर की तरफ से जो बाबर लड़ ही रहा था, राणा सांगा के साथ दो लोग और थे, कौन कौन? महमूद लोदी और मेदनी राय। महमूद लोदी और मेदनी राय। बाबर के साथ जो युद्ध होता है राणा सांगा का, राणा सांगा के साथ दो लोग और लड़ते हैं, महमूद लोदी और मेदनी राय। तो होता क्या है, किसने जो है इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, धर्म युद्ध। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, और यही वह युद्ध था जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ठीक, इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। और जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। ठीक, जिहाद का मतलब क्या होता है, धर्म युद्ध। और इसी के बाद, इसी युद्ध के बाद जो है बाबर जो है काजी की उपाधि धारण करता है। किसकी? काजी की उपाधि। तो काजी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? बाबर था। और बाबर ने पहली बार जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया? खानवा के युद्ध में दिया। इसके बाद होता क्या है कि जब राणा सांगा को पराजित कर देता है, तो अब इसी समय इसी का जो सेनापति था मीर बाकी, मीर बाकी, ठीक, इसने जो है अयोध्या में, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक, जो बाबर का सेनापति था, बाबर का सेनापति था मीर बाकी जो है, इसी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और चूंकि बाबर जो था वो मीर बाकी को बाबरी कहता था, इसीलिए इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है मीर बाकी ने करवाया था 1527-28 ईस्वी में। ठीक, तो 1527-28 ईस्वी में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके बाद फिर अगला युद्ध जो होता है 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है। बाबर क्रम वाइज सबको पराजित करेगा। अगला जो युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध होता है, और चंदेरी का जो युद्ध होता है वो 1528 ईस्वी में होता है बाबर और मेदनी राय के बीच में। बाबर और मेदनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और मेदनी राय जो था ये मालवा का राजा था, मालवा का राजा था, ये हार जाता है और बाबर जीत जाता है। ठीक, तो चंदेरी के युद्ध में। और बाबर ने जब मेदनी राय को मार दिया, तो वहां की औरतों को जब ये पकड़ने जा रहा था, मतलब अपहरण करने जा रहा था, तो वहां पर सारी औरतों ने जौहर कर लिया था। तो फर्स्ट बार बाबर ने जौहर देखा। एक तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जौहर प्रथा हुई थी, जब राजा रावल रतन सिंह के मेवाड़ के किले पर आक्रमण करता है, तो वहां पर, और उसके बाद फिर बाबर ने पहली बार जौहर किस युद्ध में देखा? तो चंदेरी के युद्ध में। क्वेश्चन लगता है कि बाबर ने सर्वप्रथम जौहर किस युद्ध में देखा था? वो किस युद्ध में देखा था? चंदेरी के युद्ध में देखा था। इसी के बाद 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा जाता है, और घाघरा का युद्ध जो होता है वो बाबर और महमूद लोदी के बीच में होता है, और जो कि महमूद लोदी जो था वो अफगान था। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि बाबर और अफगानों के बीच में हुआ है, बाबर और अफगानों के बीच में हुआ है। इसमें जो है बाबर ने अफगानों का पूरी तरीके से नाश कर दिया था, बाबर ने अफगानों का पूर्ण रूप से अंत कर दिया था। और इसी के बाद यही घाघरा का युद्ध नीवा युद्ध था, जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर ने कौन सा युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा था? वो था कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध था,
जो जड़ और फल दोनों में लड़ा जाता है। इसी के बाद जो है 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है, और चूंकि इसकी मृत्यु काबुल में होती है, ठीक, इसकी मृत्यु कहाँ होती है, काबुल में होती है, तो वहीं पर जो है इसका मकबरा बनवाया जाता है। और पहले इसको जो है दफनाया गया था आगरा में, आगरा के किले में दफनाया गया था। लेकिन जब इसकी आत्मकथा पढ़ी जाती है तो उसमें इसकी इच्छा थी, ठीक, आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था। लेकिन जब इसकी जीवनी पढ़ी जाती है तो उसमें इसकी इच्छा थी कि इसके मरने के बाद इसको काबुल में दफनाया जाए, इसीलिए फिर इसको कहाँ पे, काबुल में ले जाके दफना दिया जाता है। और इसकी जो आत्मकथा थी उसका नाम था बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी। इसकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, इसकी ऑटोबायोग्राफी जो थी वो बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी थी। और जिसको लिखा किसने था, बाबर ने लिखा था खुद, ठीक। और जो अब्दुल रहीम खान खाना जो कि और अकबर के नवरत्नों में से था, उसने जो है इसी का फारसी अनुवाद किया। और चूंकि ये किस भाषा में लिखी गई थी, तुर्की भाषा में, बाबर ने इसको तुर्की भाषा में लिखा था और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको आगे लिखा था। और यही जो था, देखिए, बागवानी और नगाड़ों का प्रेमी था बाबर जो था, बागवानी व नगाड़ों का प्रेमी। तो क्वेश्चन बनता है कि मुगल काल का वह कौन सा शासक था जो बागवानी और नगाड़ों का प्रेमी था, वो बाबरनामा था, वो क्या कहते बाबर था। और बाबर ने जो ये तुजुक ए बाबरी लिखी थी, इसी में जो है बाबर ने बताया था कि कृष्ण देव राय था, ये जो है सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था इसके समय में। तो बाबर के समय में सबसे शक्तिशाली राजा जो है कृष्ण देव राय हुआ करता था, जिसकी जानकारी कहां से मिलती है, तुजुक ए बाबरी से मिलती है। और अगला शासक जो है मुगल काल का बनता है हुमायूं। तो अभी थोड़ा एक ट्रिक जान लीजिए कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े। तो बाबर ने पहले पानी पिया, खाना खाया, फिर चंदन लगाया और फिर घर चला गया। तो पानी मतलब पानीपत का युद्ध, खाना मतलब खानवा का युद्ध, चंदन मतलब चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घर चला गया मतलब घाघरा का युद्ध। बाबर ने चार युद्ध लड़े थे, 1526, 1527, 1528 और 1529। तो चार युद्ध बाबर ने लड़े थे और ये इसकी ट्रिक है। आप हमारा वीडियो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी तरह आपको पूरी वीडियो मिलेगी। और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा मध्यकालीन भारत, तो हम जो है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाएंगे तथा जो नई नई पेपर में पूछे जा रहे हैं प्रश्नों को उनको भी बताया जाएगा। धन्यवाद।